ये कंट्रोलर है योकोगावा का TC10 मॉडल है। इसका हम ट्रांसमीटर के साथ कनेक्शन कैसे करें और पैरामीटर सेट कैसे करें इसका हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले इसको सप्लाई देने के लिए 9 और 10 नंबर है, यहाँ पे 230 वोल्टेज सप्लाई देना है। और जो ट्रांसमीटर का केबल कनेक्शन है इसका हम ड्राइंग देख लीजिए पहले। ये ट्रांसमीटर है, ये कंट्रोलर है और ये SMPS है। ये तीन चीज़ें लगेगी। SMPS का जो 24V 0V है आप देख सकते हैं इधर 24V 0V, तो ये ट्रांसमीटर का जो एक केबल है, एक केबल जाएगा SMPS के 24V को और दूसरा केबल जाएगा कंट्रोलर के 1 पॉइंट को, फर्स्ट नंबर को। ओके, और कंट्रोलर का जो सेकंड पॉइंट है ये येलो कलर का केबल, ये जाएगा SMPS के 0V को। अभी हम इनपुट का सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं, एंटर करने के लिए। सबसे पहले ये बटन दबाने का रखा 3 सेकंड के लिए। ये दबाने के बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड हमें 300 डालना है, 300 300। अभी ये 300 आने के बाद फिर से एंटर किया। यहाँ पे जो कोड वन दिखाएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किया है, तो ये 1200 रखना है कोड वन फॉर दिस ट्रांसमीटर, दिस प्रेशर ट्रांसमीटर। ओके, और कोड टू है 2000। सर कोड गुड आने के बाद फिर से एंटर दबाना, ये एग्जिट हो गया। हमारा ये एटमोस्फेरिक प्रेशर 700 दिखा रहा है। मतलब अगर आपको RTD का कनेक्शन करना है PT100 का, तो जो पासवर्ड 300 में गए थे हम, पासवर्ड 300 में जाके कोड वन में 0700 करना है, 0700 फॉर PT100। अगर आपको अलार्म का सेटिंग करना है, मतलब इन केस अगर 7111 है, अगर आपको 7111 से 700 पे अगर आया तो कॉमन हेनो का NC होना चाहिए। ये अगर आपको सेट करना है तो AL1 में जाना पड़ेगा। AL1 में कैसे जाना है, ये AL1 है, ये बटन 2 बार दबाया मैंने। ये AL1 अगर मैंने 700 किया तो उसका कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगा। 683 किया हमने सेट, देखो AL आया, मतलब रिले ऑपरेट हुआ। अब अगर आपको ही चेक करना है उसके लिए, अभी अलार्म आने के बाद 13 और 14 में कंटिन्यूटी आएगा। देखिए कंटिन्यूटी आ गया, मतलब वो एक्टिवेट हो गया। अभी AL1 में मैं 7-1 से ज़्यादा वैल्यू अगर रखता हूँ तो वो पार्ट अलार्म चला जाएगा। अभी हमने AL1 को 7-1 से ज़्यादा किया, 737, अभी उसका जो कंटिन्यूटी है वो चला जाएगा। हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली 13 और 14 में कंटिन्यूटी नहीं आया।